हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाजर पर मंगल का आधिपत्य होता है। आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर भाग्य और धन में वृद्धि के लिए आज रात को आपको क्या प्रसाद खाना है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार मंगल दक्षिण दिशा को संबोधित करता है तथा कुंडली का दसवां घर इसका पक्का घर माना गया है। कुंडली का दसवां घर व्यक्ति के करियर और प्रोफेशन को संबोधित करता है। दोस्तों, गाजर खाने से व्यक्ति के करियर में निखार आता है और इसी कारण से व्यक्ति का धन और आर्थिक क्षेत्र प्रबल होता है। दोस्तों, गाजर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है, जिसे हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता पर चढ़ाना या भोजन में उसका इस्तेमाल निषिद्ध माना गया है। गाजर को शास्त्रों में हड्डी का रूप माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार गाजर धरती के नीचे उत्पन्न होती है और इस पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, इस कारण इसे खाने पर रोक है। परंतु दोस्तों, एकमात्र भगवान शंकर ही है जिन पर गाजर आवश्यक रूप से महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाती है। शिवरात्रि के दिन शाम अथवा सारी रात अगले दिन सुबह होने तक के समय गाजर को आप शिवलिंग पे चढ़ाएं और शेष गाजर प्रसाद के रूप में लें, हलवा बना लें, खीर बना लें या सलाद के रूप में खाएं। इससे दोस्तों रक्त से जो प्रोड्यूस हुई हुई प्रॉब्लम्स होती है, आपके ब्लड रिलेटेड जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है वो खत्म हो जाती है और मनुष्य के भाग्य और धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, जिनका आज व्रत है वो आज रात भर तक गाजर को चढ़ा के रखे दोस्तों शंकर भगवान पे और फिर उसको कल सुबह खा ले। इसके आगे बताती हूँ दोस्तों, बच्चे बूढ़े हर कोई शिवरात्रि का व्रत जरूर रखते हैं। वैसे तो उपवास के दौरान फलाहार खाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर कुछ खास तरह के भोजन होते हैं दोस्तों, जो बगैर, क्योंकि शिवरात्रि में बगैर नमक का भोजन की वजह से आलस आता है और पूरे दिन थकान लगती है। अगर आप ताजगी भरे फल खाएं तो आपको पूरे दिन फ्रेश लगेगा। कई बार पूरे दिन व्रती व्रत रखते हैं तो कुछ लोग रात को शिवजी पर जल चढ़ाकर दूसरे दिन अपना उपवास खोलते हैं, ऐसे में ये व्रत कठिन होता है। कोई लोग सेंधा नमक डालकर फलाहार करते हैं तो कोई लोग बगैर नमक के सिर्फ फल और जूस लेते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों, आप महाशिवरात्रि पर और क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मखाने और मूंगफली की। मखाने और मूंगफली को अगर आप घी में फ्राई करके खाएं तो आपका मुंह भी फ्रेश हो जाता है और आपका पेट भी हल्का रहता है, आप पूरे दिन ताजा महसूस करते हैं। मखाने और मूंगफली में आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, मूंगफली में विटामिन की मात्रा अच्छी होती है। शिवरात्रि में आलू के कई तरह की खाने की चीजें भी बनती है दोस्तों। जैसे आप आलू को फ्रेंच फ्राइज बना के खा सकते हैं या बॉईल करके उसको दही में डाल के दही आलू चाट बना सकते हैं। आलू को भर के आप टिक्की भी बना सकते हैं। मूंगफली और आलू को मिक्स करके हरा धनिया गार्निश करके उसे उसकी तवे पे उससे भी टिक्की बना के फ्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। दोस्तों, आलू आपको फील गुड देता है और थोड़ा पेट भी भर जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आलू इज नॉट बैड फॉर हेल्थ। आलू में ढेर सारा विटामिन सी होता है। बात करेंगे हम ठंडाई की। दोस्तों, ठंडाई, दूध से बनी हुई ठंडाई में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं और ठंडाई पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे आपको एनर्जी भी मिलती है, इसमें इलायची भी दी जाती है। एक या दो बार ठंडाई पीने से पेट ठंडा रहता है।
बादाम, पिस्ता, काजू, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डालकर ठंडाई बनाई जाती है। दरअसल दूध में इन चीजों का पेस्ट मिलाया जाता है और फिर केसर, शक्कर, इलायची, सौंफ डालकर इसे मिलाया जाता है। इसका सेवन करने से दोस्तों आपका शुगर लेवल भी बराबर रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वेज कटलेट्स की। सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा नाम, वो भी फलिहारी में, व्रत में आप इसको खा सकते हैं। सिंघाड़े के आटे से आपको इसको बनाना है दोस्तों। सिंघाड़ा या कुट्टू का आटा भी आप ले सकते हैं। कई सब्जियों को घिस लें, जैसे गाजर, आलू, कैप्सिकम, नमक, हरी मिर्च मिलाकर उन सबको आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा मिक्स कर लें। कुट्टू के आटे को हम फाफर का आटा भी कहते हैं दोस्तों। इस मिश्रण का गोला बनाकर तेल में चॉप की तरह फ्राई कर लें, उसके बाद इसको आप खूब टेस्ट लेके मजे से खाएं। कटलेट में फाइबर की मात्रा काफी होती है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हाइजीनिक होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप कुट्टू के आटे की पूड़ियां, चिल्ला या रोटियां भी बना सकते हैं। कुट्टू के आटे को इसमें खीरा घिस लें और फिर हल्का सा तेल देकर फ्राइंग पैन में चिल्ले की तरह सेक लें। कुट्टू के आटे में आप आलू और सीधा नमक मैश करके उससे रोटियां भी बना सकते हैं, उसके पराठे भी सेक सकते हैं दोस्तों, या फिर उसको पूड़ियों की तरह तेल में भी तल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम दोस्तों गाजर के जूस की, संतरों के जूस की। इस दौरान संतरे, अभी जो सीजन है इसमें संतरे बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, तो आप चाहें तो संतरे का जूस, अनारस का, पाइनएप्पल बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो आप पाइनएप्पल का जूस भी पी सकते हैं। फ्रूट्स में आप बेर खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं और गाजर का जूस भी पी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताई बहुत सारी चीजें जो आप व्रत में खा सकते हैं, पर सबसे प्रथम जो हमने बात की थी दोस्तों गाजर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप गाजर खाते हैं तो आपके भाग्य और धन में भी वृद्धि के योग बनते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज आपको शंकर बाबा को, भोलेनाथ को गाजर चढ़ाना है और उसको रात भर एक दिया जला के वहीं पास में छोड़ देना है। कल सुबह जब आपकी पूजा, नेक्स्ट डे जब पूजा पूरी हो जाए, नेक्स्ट डे जाके उस गाजर को उठा के आपको उस गाजर का या तो हलवा बनाना है या उसको जूस बना के पी सकते हैं, आप उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये उपाय कर लीजिए, क्या पता कब तकदीर साथ दे जाए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड हैप्पी शिवरात्रि। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शिव बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आज के लिए टेक केयर। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज
और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।